सबसे पहले तो ये महाविकास अघाड़ी का मैनिफेस्टो है। मैं ANI के माध्यम से कहना चाहूंगी कि आज सारे सीनियर लीडरशिप आकर उन्होंने महाविकास अघाड़ी के प्रमुख जो मुद्दे हैं और कमिटमेंट है जनता को वो आज उन्होंने साझा किया है, और फिर हमारी भी कमिटमेंट वही इन अलाइनमेंट विद जो महाविकास अघाड़ी ने की है, हमारा भी जो कमिटमेंट होगा सिमिलर लाइन्स पे ही होगा। पर मुख्य रूप में जो है कि महिलाओं को मुफ्त की ट्रैवल होगा, महिलाओं के लिए 3,000 रुपए महीने में दिया जाएगा, लड़कों के लिए फ्री एजुकेशन होगी, कमिटमेंट टू एम्प्लॉयमेंट होगा। तो ये सारी चीजें हमने आज 5 मुख्य धारा में की हैं। आने वाले समय में आपको डिटेल मैनिफेस्टो दिया जाएगा। जो धारावी का अडानी का जो है वो आपके मैनिफेस्टो में रहेगा कि उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे मैनिफेस्टो में जो जो होगा वो वादे होंगे जो इरादे हम पूरे करने के लिए आएंगे, वो वादे नहीं होंगे जो बाद में जाकर जुमले बता दिए जाएंगे। तो हमारे वादे वही हैं जो मुंबई से जुड़े हुए मुद्दे हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो धारावी प्रोजेक्ट हो, धारावी के प्रोजेक्ट की आड़ में पूरी मुंबई की लूट मची हो, वो हम खत्म करने का काम करेंगे। जो 3,000 रुपया महीना हर महिला को दिया जाएगा उसके बारे में किस तरह से सोचते हैं, क्योंकि अभी की गवर्नमेंट ने 1,500 रुपए जो नहीं देखिए वो जो 1,500 रुपए आए एट द बैक ऑफ अ लॉस आए, लोकसभा में इनकी हार हुई तब जाकर इन्होंने 1,500 रुपए दिए जो बगैर किसी प्लानिंग के किए गए। हम उसका प्रोविजन करेंगे, और हमने जब पूरे आंकड़े लगाकर देखे जिस तरीके की महंगाई है, महंगाई और लूट मची हुई है, उसमें 1,500 में उनका काम नहीं चलता है। तो वो सब चीजें ध्यान में रखकर